हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल राउंडर सिबलिंग आज हम करेंगे केमिस्ट्री आईसी बोर्ड क्लास एट चैप्टर नंबर नाइन कार्बन कंपाउंड्स ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है वो हम आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे जिसके साथ हमारी ये बुक कम्पलीट हो जाएगी आई होप आप सभी को अच्छे से तो सारे चैप्टर्स सा अच्छे से समझ में आ गए हैं कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही ये जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है उनके लिए कुछ क्या लिखने है आपको इक्वेशन लिखनी है उनकी तो पहली है रिएक्शन ऑफ मार्बल चिप्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्बल चिप्स की रिएक्शन आपको करवानी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आपको मार्बल चिप्स बोल रहा है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है सी ए सी ओ थ्री उसकी आपने रिएक्शन करवाई है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दैट मीन्स टू एच सी एल तो आपको क्या मिलेगा सी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस टू आपकी इक्वेशन हो गई है नेक्स्ट है हीटिंग कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट किया तो क्या होगा कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे यानी कि CuCO3 सी ओ थ्री हीट किया CuO ओ बना एंड सी ओ टू नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाई सीओ टू प्लस एच टू ओ आपको मिलेगा एस टू थ्री हाइड्रोजन कार्बोनेट हम बोलते हैं नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन लाइम वाटर लाइम वाटर पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया तो क्या होगा तो ये होता है आपका सीए ओ एच को होल्ड टू यानी कि लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आप इसे सीओ टू आपको मिलेगा सीए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ रिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई तो आपको मिला सोडियम कार्बोनेट

किसी भी एलोट्रॉप के जो एटम्स होते हैं उन्हें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज कर दिया जाता है यानी कि फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज कर दिया जाता है तो वो बना लेते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म कब जब किसी भी एलोट्रॉप के एटम्स को आप अरेंज कर देते हो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में तो वो बन उसकी बन जाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच द एटम्स आर अरेज इन एन इेगुलर मैनर एंड हैव नो स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अमॉरफस फॉर्म क्या बोल रहा है आपने क्रिस्टलाइन फॉर्म तो बता दिया अमोरफस फॉर्म में बोल रहा है कार्बन के वो एलोड्रॉप्स जिसमें एटम्स आपके इर मैनर में अटैच रहते हैं अरेंज जो रहते हैं वो इेगुलर मैनर में रहते हैं और उनका कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है कोई पैटर्न नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अमॉर्फस फॉर्म नेक्स्ट है व्हाट इज अ फुलरीन फुलरीन क्या होता है फुलरीन क्या होता है फुलरीन इज अ थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन फुलरीन आपकी एक थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है अलॉन्ग विध डायमंडन में आपका सॉरी आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसमें हमने दो फॉर्म्स पड़ी थी डायमंड एंड ग्रेफाइड एक थर्ड फॉर्म और होती है जिसमें बोलते हैं फुलरीन ऑफ कार्बन फुलरी रीन वेरी फ्रॉम थर्टी टू नाइन हंड्रेड फुलरी्रीन एक फुलरीन बनाने के लिए उसमें कितने कार्बन आइटम्स चाहिए होते हैं वो चाहिए है आपको थर्टी से नाइन हंड्रेड तक वो वेरी करता है ठीक है इसका कोई फिक्स नहीं होता है वेरी करता है ऊपर नीचे हो सकता है एंड आर हेल्प टूगेदर इन अ केज लाइक स्ट्रक्चर और ये जो एटम्स होते हैं वो केज के जैसे जैसे पिंजरा होता है उसके जैसे अरेज रहते हैं तो उस हम बोलते हैं फुलरीन नेक्स्ट है आपका मिल्की क्यों हो जाता है जब आप उस लाइन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद फ्रेश लाइन वाटर जो भी आपने फ्रेशली लाइन वाटर प्रिपेयर किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करता है टू फॉर्म क्या बनाने के लिए इन सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो घुलता नहीं है ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वाटर बनता है विच इट मिल्की अपियरेंस जिससे उसे मिल्की यानी कि दूध के जैसा वो उसका कलर हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं ये हो जाता है क्योंकि इन्सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वुड चारकोल इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ इंक इन वाटर क्या होगा अगर एक सॉल्यूशन आपके पास इंक का वाटर में ठीक है उसमें अगर आपने वुड चारकोल डाल दिया तो क्या होगा इट विल एब्जॉर्ब द कलर वुड चारकोल क्या करता है कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है गुड एब्जॉर्बेंट का काम करता है तो जो इंक का कलर होगा ना उसे एब्जॉर्ब कर लेगा आपका वुड चारकोल नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू फिजी ड्रिंक्स हैव अ टेंगी टेस्ट फिजी ड्रिंक्स जो होती है उनका टेंगी टेस्ट क्यों होता है फिजी ड्रिंक्स में देखते हो ना जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें टेंगी टेस्ट आता है तो क्यों आता है वो फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं जिसमें गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व इन वाटर अंडर प्रेशर टू मेक फिजी और एरिएटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है हाई प्रेशर के अंडर ताकि उसे फिजी और एरिएटेड ड्रिंक्स बनाई जा सके ठीक है द गैस प्रोवाइड्स द फिज एंड अ टेंगी टेस्ट टू द एरिएटेड ड्रिंक्स जो ये एरिएटेड और फिजी ड्रिंक्स होती हैं उससे ये उसमें जो हम गैस डालते हैं उससे एक फिजी और टेंगी टेस्ट उन गैसेज उस ड्रिंक को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक इट सुटेबल फॉर यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो गैस को एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए यूज़ उसे किया जाता है सिंस अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन ठीक है इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है जिसकी वजह से इसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको कंबशन को सपोर्ट नहीं करता यानी कि आग फैलाता नहीं है इट इज़ अ हैवी गैस और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है ये एक हैवी गैस है इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इसलिए इसका यूज किया जाता है फायर बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आर डिवाइसेज फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं ऐसे डिवाइसेस होते हैं इन विच जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है बाय अ केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा इन केस ऑफ फायर जब आग लगती है तब बींग अ हैवी गैस हैवी गैस होने की वजह से इट इज़ स्प्रेड ओवर दी फायर लाइक अ ब्लैंकेट हैवी गैस होने की वजह से जब फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल अंदर रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो हैवी गैस होने की वजह से आग के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम कर बिछ जाती है वो गैस फैल जाती है एंड कट्स ऑफ दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और जो आपकी जो आग फैल गई है वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन क्या हो करता है सपोर्ट करता है कंबसन को और आग लगाने में हेल्प करता है तो उसके ऊपर जो भी उसे सप्लाई मिल रही है उस आग को उस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट लग जाएगी तो वो आग बुझ जाती है समझ रहे हो तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एक फायर के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर दी ऑफ कार्बन सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कैसे होती हैं हमने पढ़ा था एलोट्रॉप जितने भी होते हैं उनमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं ऑल एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन फॉर्म सियोटोन बर्निंग कार्बन के जितने भी एलेक्ट्रॉप्स हैं जब आप उन्हें बर्न करेंगे तो वो बर्न करने पर क्या बनाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइड डायमंड एंड ग्रेफाइड की बीच में कोई भी तीन प्रॉपर्टीज तीन डिफरेंसेज उनकी बताने हैं डायमंड एंड ग्रेफाइड के बीच में डायमंड ग्रेफाइड डायमंड ट्रांसपेरेंट एंड लस्ट्रस होता है ठीक है शाइनी होता है ओपेक एंड डल होता है आपका ग्रेफाइट ओपेक यानी उसमें से कुछ दिखता नहीं है ज्यादा आर पार एंड डल होता है डायमंड आपका पोअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड हैज हाई डेंसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाइल ग्रेफाइट हैज लोअर डेंसिटी ऑफ टू पॉइंट थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डिफरेंस होता है आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज शुगर चारकोल प्रिपेयर वॉटर इज इट्स यूजेज शुगर चारकोल कैसे बनाई जाती है और इसके यूजेस क्या हैं क्या किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज़ द्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि शुगर चारकोल जो है आपकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है चारकोल की इट इज ऑप्टेंड बाई द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर ये हम कैसे बनाते हैं शुगर चारकोल शुगर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके इट कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर बाई डिहाइड्रेटिंग शुगर विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको आप यानी शुगर चारकोल अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो दो तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो या तो आप डिस्ट्रक्टेड डिस्टिलेशन करवा दो शुगर का ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हो शुगर को आप डिहाइड्रेट कर सकते हो कैसे डिहाइड्रेट करोगे उसका रिएक्शन करवाइए आप शुगर का कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब आपका शुगर चारकोल बन जाएगा शुगर चारकोल इज अ ब्लैक पोरस पाउडर ये एक ब्लैक पोरस पाउडर होता है जिसका यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिड्यूसिंग एजेंट में वो क्या करता है मेटल ऑक्साइड में से मेटल्स आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है या फिर और कहाँ यूज कर सकते हैं आप शुगर चारकोल का टू डी कलराइज कलर्ड सॉल्यूशंस कलर्ड सॉल्यूशंस को डिकलराइज करने के लिए कलर्ड सॉल्यूशंस को उनमें से जो भी उनका कलर है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स और आर्टिफिशियल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यू किया जाता है शुगर चारकोल को यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कोल फॉर्मड एक्सप्लेन कोल कैसे बनता है कोयला कैसे बनता है एक्सप्लेन कीजिए कोल इज अ ब्लैक नेचुरली मिनरल इन क्रस्ट नेचुरलीस्ट बाई वेजिटेबल मैटर कोल यानी कोयला एक काला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिनरल है जो अर्थ की क्रस्ट पे पाया जाता है और बनता कैसे है जब वुड और डिकेड वेजिटेबल मैटर जो सब्जियों का जो भी सड़ा गला सामान होता है और जो वुड है उसके कार्बोनाइजेशन होने की वजह से कोल बनता है यानी कि उसका कार्बन के साथ रिएक्शन होने की वजह से वेन प्लांट्स इन स्वैम्पी एरियाज जब दलदल वाले एरिया में जो प्लांट्स पौधे होते हैं दे गेट बरीड अंडर दी अर्थ क्रस्ट जब अर्थ की लेयर के नीचे वो दब जाते हैं अर्थ के अंदर दब जाते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर उनमें रिएक्शन होता है और कोल बन जाता है उनका दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स और ये जो प्रोसेस होती है कोयला बनने में बहुत साल लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में आपको कोई भी तीन डिफरेंसेस लिखने हैं उनकी प्रॉपर्टीज के सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर फेयरली सॉल्युबल है वाटर में वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पॉइजनस गैस जहरीली नहीं है वाइल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हाईली पॉइजनस गैस बहुत ज़्यादा जहरीली है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो एयर से भी हैवी है वाइल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड इज लाइटर देन एयर जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हवा से भी हल्की है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू प्रिपेयर लैम्प ब्लैक एट होम आप लैम्प ब्लैक अपने घर पर कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आपको एक्टिविटी लिखनी है जिसमें एम है टू प्रिपेयर लैम्प ब्लैक एट होम हमें घर में लैम्प ब्लैक बनाना है मटीरियल एंड अर्थन दिया एक मिट्टी का दिया चाहिए मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल विक बत्ती रुई की बत्ती बनाते हैं ना वो चाहिए मेटल स्पून या फिर आप प्लेट ले सकते हैं ठीक है प्रोसीजर में क्या करना है टेक सम मस्टर्ड ऑयल इन अ लैंप ठीक है एक लैम्प में या फिर जो आपका मिट्टी का दिया है उसमें आ, क्या करना है आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है सरसों का तेल लेना है इमरसा कॉटन विक रुई की बत्ती बनाकर उसमें आप डुबो दीजिए ठीक है ऑयल जो आपने उस दिए में किया है और उसे जला दीजिए फिर जलने के बाद आप एक स्पून या एक मेटल की प्लेट उसके ऊपर पकड़ के क्या कर दी बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए उस पर तो इतना करने के बाद कुछ देर के लिए जब आप पकड़ लेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा कंक्लूजन क्या निकलेगा ब्लैक ऑन द इनर ऑफ द प्लेट और स्पून इज ऑब्जर्व जब आप थोड़ी देर के लिए उस मेटल प्लेट को या स्पून को उसके ऊपर पकड़ के बैठे रहेंगे तो एक ब्लैक कलर का डिपॉजिट उसके इनर सरफेस पर आ जाएगा उस मेटल के सरफेस के ऑन टचिंग दी ब्लैक डिपॉजिट जब आप ब्लैक डिपॉजिट को टच करेंगे इट फील्स सॉफ्ट एंड पोरस आपको लगेगा ये सॉफ्ट और पोरस है ठीक है तो इस तरीके से वो जो ब्लैक सबस्टांस बनाया उसी को हम ब्लैम ब्लैक बोलते हैं घर पे जो हमने बनाया ठीक है अब मैं आपको एक बात बताऊं जैसे दिवाली होती है तो उस दिन जब हम दिया जलाते हैं हमारे घर में तो होता है आपके यहाँ होता है नहीं होता तो ये भी जरूर बताइएगा तो उसमें जो हमारा दिया जलता है तो रात को साई बनाई जाती है तो वो भी ऐसी बनाई जाती है है ना कैसे वो दिया जो जलाते हैं हम उसमें उसके ऊपर हम ऐसी एक हमारे यहाँ तो मिट्टी का दिया ही रखते हैं ऐसे ऊपर बट यहाँ पर आपको एक्टिविटी के लिए बता रखा है स्पून या मेटल प्लेट ले सकते हैं वैसे तो ही हम भी तो करते हैं तो वही लैम्प ब्लैक होता है ठीक है जिसे साई बोलते हैं तो बताइएगा कमेंट करके आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर बाई द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बाय दी एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स या और ये बाई कार्बोनेट्स पर जब आप डाइल्यूट एसिड्स का एक्शन करवाते हो रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होगा ये बताना है और उसके इन्वॉल्व रिएक्शन भी लिखनी है कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑफ मैनी मेटल्स रिएक्ट विद डायल एसिड्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारे मेटल्स के जो कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स होते हैं बहुत सारे, वो डायलिट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं इन मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन मोस्ट ऑफ इंड वाली रिएक्शन में ब्रिसरवेस बनता है जो हमें शो करता है कि कार्बन डाई इवॉल्व हुई है प्रोड्यूस हुई है एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट दो की बात हो रही है कार्बोनेट की और बाई कार्बोनेट की तो कार्बोनेट का रिएक्शन देखिए रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है एन थ्री सोडियम कार्बोनेट हो गया एच टू सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो इससे बना आपका एन ठीक है एंड एच टू एंड सी ओ टू अब बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सी एच सी ओ थ्री का होल्टवाइज टू एच सी एल आपको मिलेगा सी एच सी एल टू टू एच टू और प्लस सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड आपके एसिडिक ऑक्साइड है इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है इट इज एसिडिक इन नेचर ये एसिडिक है नेचर में वैन डिजोल्व इन वाटर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये जो कार्बोनिक एसिड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है रेड में कन्वर्ट हो गया दैट मींस इट इज अ एसिड सो रिएक्शन क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करा आपका बन गया कार्बोनिक एसिड अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रूव दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्रेफाइट आपका एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और आपको ये एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो एम क्या हो गया आपकी इस प्रोसेस का टू शो दैट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये शो करना है आपको कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल्स आपको चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए जिसमें बैटरी हो बल्ब वायर और ग्रेफाइट रॉड हो इस प्रोसीजर में क्या करना है आपको बैट कनेक्ट दी बैटरी एंड बल्ब विद वायर्स बैटरी और बल्ब को वायर से कनेक्ट कीजिए एंड कनेक्ट दी फ्री एंड्स ऑफ वायर वायर के wire. Wire की जो फ्री एंड्स हैं उन्हें आप ग्रेफाइट रॉड से कनेक्ट कर दीजिए तो आप जब इतना कनेक्शन कर लेंगे तो आपका बल्ब जो होगा हो वो ग्लो करेगा कंक्लूजन हो गया ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लेन एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई भी दो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करनी है राइट दी रिएक्शन इन्वॉल्व उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है आपको वो लिखनी है ऑल्सो मैंशन एनी टू यूजेज ऑफ दिस पॉइजनस गैस इस जहरीली गैस के कोई भी दो यूजेज भी आपको मैंशन कर रहे हैं तो सबसे पहले दो एक्सप्लेन कर देते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज विद देयर एग्जाम्प रिएक्शंस इट इज अ कम्बस्टिबल गैस एंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद अ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कम्बस्टिबल गैस है ठीक है जल जाती है यानी और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है ओके यहां पर है ऑक्सीजन ठीक है बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये कार्बन मोनॉक्साइड गैस बर्न करती है तो एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हीट किया तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ न्यूट्रल गैस दूसरा एग्जाम्पल क्या है ये एक आपकी न्यूट्रल गैस है यानी कि ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है एंड हेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रेड ब्लू लिटमस पेपर इसीलिए इस गैस का कौन सी गैस का कार्बन मोनॉक्साइड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है रेड या ब्लू लिटमस पेपर पे अब हम बर्थ करते हैं इसके यूजेस यूजेस में सबसे पहला यूज है इट इज यूज इन मेटलर्जी मेटलर्जी के प्रोसेस में इस गैस का यूज किया जाता है ताकि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके उनके ऑक्साइड से लाइक आयरन ऑक्साइड ने कार्बन मोनऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया हीट किया तो आयरन बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई ड्यू टू इट्स कम्बस्टिबिलिटी दूसरे यूज़ देखते हैं हम इसके इसकी कम्बस्टिबिलिटी की वजह से यानी कि कम्बस्टिबल गैस है इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है एक फ्यूल के रूप में कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है कोल गैस वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के रूप में ये तीनों आपको बता रखे हैं कोल गैस वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्क्राइब दी लेबोरेटरी प्रिपेरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद दी हेल्प ऑफ एन इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे लैब में प्रिपेयर कर सकते हो ये आपको डिस्क्राइब करना है एक इक्वेशन की हेल्प से इन लेबोरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली प्रोड्यूज बाय द रिएक्शन ऑफ मार्बल चिप्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मली मार्बल चिप्स दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के इसमें हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कार्बन साइकिल एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली एक अच्छे से लेबल्ड lab डायग्राम आपको कार्बन साइकिल का बनाना है और उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल बोल रहे हैं तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका मेजर कॉम्पोनेंट है दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज बैलेंस्ड बाय द कार्बन साइकिल नेचर में कितना अमाउंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो बैलेंस किया जाता है इस कार्बन साइकिल के द्वारा ही प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ठीक है आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं बदले में वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस और इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिटर्न करते हैं रिलीज़ करते हैं है ना विच प्लांट्स यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस फिर से उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और ऐसे ही ये साइकिल आपकी चलती रहती है ये आपका डायग्राम बनेगा इसमें कार्बन साइकिल का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड कार्बन मोनाक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनाक्साइड आर यूज ऑफ वुड कोल एंड काउ डंग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग फूड इज ऑल्सो हार्मफुल एज पीपल इनहेल कार्बन मोनाक्साइड जब गाँव में आज भी ज्यादातर गाँव में क्या होता है डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में लकड़ी कोयला और गाय का गोबर यूज किया जाता है ठीक है खाना पकाने के लिए ये हार्मफुल होता है क्योंकि जब ये चीज़ें जलती हैं तो इनकम्प्लीट कंबसन होता है जिससे कार्बन मोनॉक्साइड प्रोड्यूस होता है और जो खाना बना रहा है वो इसे इन्हेल करता है और ये हमें हार्म पहुंचाता है इन्हेलिंग कार्बन मोनॉक्साइड कैन लीड टू हेडेक अगर हम इसे इन्हेल कर लेते हैं इस गैस को तो सिर दर्द हो सकता है बेहोश भी हो सकते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो सकते हैं इन वेरी एक्सट्रीम केसेस जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनॉक्साइड इन्हेल कर लिया जाता है इट कैन इवन लेट टू डेथ इससे मौत भी हो सकती है स्टैंडिंग बिहाइंड एन इंजन दैट इज टर्न ऑन बी डेंजरस किसी भी इंजन के पीछे खड़े होना ये भी खतरे की बात हो सकती है ठीक है ऐसे इंजन के पीछे जो चला स्टार्ट है ना एज दी कार क्यों क्योंकि कार जो है वो एग्जॉस्ट करता है यानी कि रिलीज करता है फ्यूम्स को और उन फ्यूम्स में क्या होता है कार्बन मोनोक्साइड होता है और दूसरी हार्मफुल गैसेज भी होती हैं समझ में आया इसलिए इंजन के पीछे भी खड़ा नहीं होना चाहिए ये भी बहुत हार्मफुल होता है इट्स अमाउंट दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द एयर इज सो लिटिल दैट इट डज़ नॉट रियली अफेक्ट अस कार्बन मोनॉक्साइड का अमाउंट जो है एयर में इतना सा है इतना छोटा सा अमाउंट इसका प्रेजेंट है कि वो हमें इफेक्ट नहीं करता है हमारे हमें प्रभावित नहीं करता है इट बिकम्स हार्मफुल यह हार्मफुल कब होता है हमारे लिए जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की एयर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एयर में कार्बन मोनॉक्साइड का अमाउंट जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाता है प्रोलॉन्ड इन्हेलिंग ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड सीवियरली रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड फाइनली कॉजेज डेथ जब कार्बन मोनॉक्साइड को बहुत लंबे टाइम के लिए इनहेल करते रहते हैं तो उससे क्या होता है बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और फाइनली धीरे धीरे जब वो रिड्यूस होती चली जाए तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं विच इज़ कॉल्ड कार्बन मोनॉक्साइड पॉइजनिंग जिसे हम कार्बन मोनॉक्साइड पॉइजनिंग बोल सकते हो या फिर एस्फिक्सिया बोल सकते हो जिससे डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से जब कार्बन सॉरी जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा सेल्स तक जब हम ऑक्सीजन इन्हेल ही नहीं करेंगे तो सफोकेशन होता है ना तो उसी चीज़ को बोल रहे थे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कार्बन मोनाक्साइड के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ इज़ वुड चारकोल प्रिपेयर फ्रॉम वुड वुड चारकोल को आप वुड से कैसे बना सकते हो एक्सप्लेन दी प्रोसेस विद दी हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एक लेबल्ड डायग्राम के साथ आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना है तो वुड चारकोल की एक्टिविटी के थ्रू हमें करेंगे पेज नंबर वन हंड्रेड एलेवन पर है सो so, इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है ये एक्टिविटी लिखनी है हमें और ये डायग्राम बनाना है तो इसका एम क्या है टू प्रिपेयर वुड चारकोल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हमें वुड चारकोल बनाना है मटेरियल्स इसमें आपको चाहिए बॉलिंग ट्यूब्स वुड शेविंग्स या फिर सो ले सकते हैं स्मॉल पीस ऑफ सोडियम कॉर्क्स क्लैंप स्टैंड एंड डिलीवरी ट्यूब्स क्लैम्प स्टैंड इसे बोलते हैं ठीक है थीके? प्रोसीजर में क्या करना है पुट सम वुड शेविंग्स या फिर सो डस्ट इन इन वन बॉइलिंग ट्यूब एंड क्लैंप इट हॉरीजोंटली कुछ वुड शेविंग्स या फिर सो डस्ट आप एक बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए और उसे हॉरीजोंटली क्लैंप कर दीजिए इस तरीके से ओके okay. ये रही आपकी वुड शेविंग्स आपने इसे क्या कर दिया हॉरिजॉन्टली क्लैंप कर दिया हाफ फिल दी अदर बॉइलिंग ट्यूब दूसरी बॉइलिंग ट्यूब को आप हाफ फिल कर लीजिए डिस्टिल्ड वाटर और उससे वर्टिकली क्लैंप कर दीजिए क्लोज दी माउथ्स ऑफ बोथ दी टेस्ट ट्यूब्स दोनों टेस्ट ट्यूब्स को माउथ को आप क्लोज कर दीजिए और डिलीवरी ट्यूब्स इस तरीके से आपको कनेक्ट करनी है एक इधर और एक इधर ऐसे समझ में आया ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा और स्ट्रांग हीटिंग फॉर सम टाइम जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे इधर वुड शेविंग वाली टेस्ट ट्यूब को वुड शेविंग स्टर्न इनटू अ ब्लैक पाउडर वुड शेविंग्स एक ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगी जिसे हम वुड चारकोल बोलेंगे एक डार्क कलर का लिक्विड आपका प्रिपेयर्ड होगा जिसे हम वुड तार बोलते हैं वो कलेक्ट हो जाएगा बिलो दी वाटर इन वर्टिकल ट्यूब यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएगा जब ये इधर बर्न होगी तो इधर वुड चारकोल बनेगा और यहाँ पर आपका वाटर में वुड तार बन जाएगा वर्टिकल ट्यूब में सम बबल्स कैन बी सीन एस्केपिंग थ्रू दी वाटर और कुछ वाटर से ना कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ बबल्स आपके भाग निकल रहे हैं जिसका मीनिंग हो गया गैस बन रही है अंदर तो ये गैस को जब आपने बर्निंग स्प्लेंटर ला कर यहाँ पर टेस्ट किया तो वो उसमें ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हुई जिसे हमने बोला वुड गैस तो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी करनी थी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कोल कोल की डिफरेंट वैराइटीज हमने पढ़ी थी उसमें आपको डिफरेंसेस आपको बताने हैं तो फोर डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड इग्नाइट पीट में क्या बोल रहा है इट इज़ एन इन्फीरियर वराइटी ऑफ कोल ये इन्फीरियर वराइटी है कोल की विच इज लाइट ब्राउन इन कलर जिसका कलर होता है लाइट ब्राउन और इसमें कार्बन का फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ही पाया जाता है लिग्नाइट क्या इट इज़ फॉर्म फ्रॉम पीट पीट से लिग्नाइट बनता है ब्राउन कलर का होता है पीट आपका लाइट ब्राउन होता है ये ब्राउन कलर का होता है लिग्नाइट में सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट कार्बन पाया जाता है फिर आता है आपका बिटुमिनस बिटुमिनस बनता है आपका लिग्नाइट से विच इज़ दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोल ये मोस्ट कॉमन टाइप है कोल का विच इज ब्लैक एंड कलर जो जिसका कलर ब्लैक होता है इसमें सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट कार्बन पाया जाता है इसे कॉमनली घरों में यूज किया जाता है हाउस होल्ड में एंथ्रासाइड इट इज़ फॉर्म फ्राम बिटुमिनस ये बिटोमिनस से एंथ्रासाइड बनता है जो प्योरेस्ट फॉम है कोल की इतनी हार्ड है बहुत इसका हाई इग्निशन पॉइंट है बहुत हाई पॉइंट पर बहुत हाई जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तब ये जलती है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है ब्लैक होता है ये एंथ्रासाइड कलर में और इसमें नाइन्टी टू नाइन्टी एट परसेंट कार्बन पाया जाता है नाइन्टी टू से नाइन्टी एट परसेंट कार्बन इसमें पाया जाता है तो ये डिफरेंट वेराइटीज थी कोल की जो हमने पढ़ ली है जिसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए हमें सपोर्ट करते रहिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें अब हाँ, हम फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं एथ क्लास की तो हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए गाइज़ ज़्यादा ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम समझ में आया है और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट लेकर आएँ तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ थैंक यू